उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार एवं भूमाफियाओं के आरोप को नकारते हुए कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, विकास के नाम पर साटा क्षेत्र में एक भी ईंट नहीं लगाई, जबकि चौधरी लक्ष्मी नारायण जन जन की प्रिय है और जनता के एक बार फिर उन्हें सेवा का मौका दिया है। देखिए मथुरा से हमें शर्मा की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। छोड़े हुए आप पूरी दुनिया में कहीं भी इनके बारे में पता लगा सकते हैं। विकास की जहां तक मैं बात करूं, उसके बाद मंत्री जी को व्यावसायिक शिक्षा का विभाग दिया गया बीच में, तब भी जनपद में केवल एक आईटीआई कॉलेज वृंदावन में था। मंत्री जी के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बनने के बाद कोटवन में पॉलिटेक्निक कॉलेज आप देख रहे हैं, कामर में आईटीआई कॉलेज आप देख रहे हैं। पिछले मंत्रालय में 450 करोड़ रुपए का फसल बीमा झाता क्षेत्र के किसानों को दिया गया, जो कि केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में किसी भी विधानसभा में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया सबसे बड़ा प्रयास है। और आज किसान इस बात को बहुत खुशी से बताते हुए इसीलिए मंत्री जी को दोबारा आशीर्वाद दे के उन्होंने विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं बात करने लगूं तेजपाल सिंह जी के बारे में, हमारे पूरे परिवार पे केवल तेजपाल सिंह जी के घर बैठ के जो FIR उसी दंगों की झूठी लिखाई गई बाद में, जिसमें हमें क्लीन चिट मिली, उसके अलावा आज तक 151 की भी कोई धारा कहीं दर्ज नहीं। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चौकी बाग बहादुर में आप जाके देख लें, आज भी ठाकुर तेजपाल सिंह के नाम लूट डकैती अपहरण गैंगस्टर बलवे के मुकदमों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। आज तक ना मैंने, ना कभी माननीय मंत्री जी ने, ना कभी तेजपाल सिंह जी के बारे में, ना कभी उनके परिवार के बारे में, ना कभी उनके किसी रिश्तेदार और उनसे संबंधित किसी व्यक्ति के बारे में किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन जब चाहे तब आपके चैनलों के माध्यम से हमें ये पता चलता रहता है कि कभी तो मेरे बारे में आप शनाप बोल देते हैं, कभी जो आदमी दुनिया में ही नहीं है मेरे पिताजी चौधरी लेखराज सिंह जी, उनके बारे में भी चुनाव में एक से एक ऊटपटांग बातें बोली गई जो कि उनको कतई शोभा नहीं देती हैं। आदरणीय मंत्री जी, जो छाता क्षेत्र का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करते हैं, उनका अपमान यदि होता है तो उसके साथ साथ छाता क्षेत्र के नौजवान और बुजुर्गों का अपमान भी होता है, उनके बारे में ऊटपटांग बोल देते हैं। आज मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि तुलना उन्हें करनी हो तो अपने बेटे के बारे में खुल के बता दें कि मेरे बेटे ने सामाजिक जीवन में ये उपलब्धि हासिल की है, यहाँ से पढ़ाई लिखाई की, इस तरह शादी की और इस तरह राजनीति कर रहे हैं, मेरे बारे में बता दें, करें तुलना खूब, सामने सामने आके जनता को विकास के बारे में बताएं कि हमने ये विकास किया, उन्होंने ये विकास किया। मंत्री रहते हुए पूरे देश में प्रदेश को कृषि में नंबर एक का यदि पद मिला, किसी पूरे देश के अंदर नंबर एक का स्थान मिला तो मंत्री जी के मंत्रालय में मंत्री रहते हुए मिला। मंत्री जी ने प्रत्येक नौजवान को अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, बुजुर्ग को अपने पिताजी की तरह प्यार दिया है। आज आप देखिए, आज जब पूर्व मंत्री जी ने ये महसूस कर लिया कि मेरी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है, कहीं कोशिश की उसमें जनता ने उनको नाकाम कर दिया, क्योंकि जनता जान चुकी है कि छाता क्षेत्र यदि किसी व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है तो उस व्यक्ति का नाम केवल चौधरी लक्ष्मी नारायण है। छाता क्षेत्र का भविष्य यदि कहीं सुरक्षित है तो उस व्यक्ति का नाम केवल नरदेव चौधरी है।